हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू शिक्षा। सो गाइस, आज सोचा थोड़ा सा रूबरू होकर के पढ़ें। ठीक है, जनरली तो आई डोंट यूज़ द वीडियो, बट आज मन किया कि बड़े दिन हो गए हैं तो थोड़ा सा रूबरू वाली फीलिंग है। कुछ लाइव सेशंस भी कंडक्ट करने का सोच रहा हूँ कि कुछ लाइव सेशंस भी कंडक्ट करें, आपसे बातचीत हो जाए जिनसे। बट हाल फिलहाल इंश्योरेंस का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 कल देखा था। इंश्योरेंस को हमने फटाफट कवर करना है इन अपकमिंग डेज। अच्छा, एपीएफसी की और एओईओ की एग्जाम डेट आ गई है। मैंने उसके लिए अलग से कोई अभी तक वीडियो नहीं बनाया, बट जो एस्टिमेटेड डेट था 2 जुलाई, उसको ही आपका एग्जाम होने का अनाउंस हुआ है। और दोनों एग्जाम्स एओईओ और एपीएफसी मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं तो 100% श्योर था कि सेम डे में एग्जाम नहीं रखेगा यूपीएफसी, बट यूपीएससी को इसीलिए अनप्रेडिक्टेबल बोला जाता है क्योंकि इन्होंने कर दिया। सेम डे में दोनों एग्जाम्स हैं, सुबह वाले शिफ्ट में एओयू एंड दोपहर वाले शिफ्ट में आपका एपीएफसी का एग्जाम है। ठीक है, दोनों 2 जुलाई को होंगे, तो अपने पास अभी है 2 महीने। घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अभी अपने पास पूरे का पूरा मई पड़ा है, जून पड़ा है, अप्रैल के अपने पास 5 दिन पड़े हैं। अराउंड आप ये लगा करके चलो 65 to 70 days का अपने पास टाइम है। इसके अंदर अपन खींचेंगे पूरा इसको, तो लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर 2 के अंदर दो टॉपिक हमने मेनली करने हैं, एक तो रिस्क, पेरिल और हजार्ड। ये जनरली कॉमन टर्म्स में तो ये तीनों को मिक्स करके अपन टर्म को यूज कर देते हैं, बट रिस्क, पेरिल और हजार्ड के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या इनका मीनिंग है वो देखेंगे। और फिर हमने क्लासिफिकेशन करनी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क देखेंगे हम। ठीक है, तो ये मेनली दो टॉपिक है छोटे से जो हमने कवर अप करने हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले तो इंश्योरेंस आप जान चुके हो कि इंश्योरेंस क्या है भैया। ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और वेरियस लॉज के अंदर ये चलता है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। दो पार्टीज कौन सी हैं? एक है इंश्योरर और एक है इंश्योर्ड। ठीक है, एक है इंश्योरर, एक है इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन है? जो इंश्योरेंस बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, LIC क्या है? इंश्योरर है। इंश्योर्ड क्या है? जो कोई पॉलिसी खरीद रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं LIC के पास जाकर के अपनी बीमा पॉलिसी लेता हूं, तो क्या मैं हूं? इंश्योर्ड हूं। ठीक है, और इंश्योर्ड जो है वो इंश्योरर को क्या देता है? प्रीमियम देता है। और उसके बदले में इंश्योरर क्या बोलता है कि भैया अगर तेरे को फाइनेंशियल लॉस हो गया, जो भी मैंने पॉलिसी ली है उस पॉलिसी से रिलेटेड अगर मेरे को लॉस हो गया, तो डेफिनेटली वो मेरे को फिर रीइंबर्स करेगा मेरा लॉस, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरी इंश्योरेंस किस टाइप की इंश्योरेंस है। ओके, जो भी इंश्योर्ड पेरिल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने फायर की पॉलिसी निकाली है, तो अगर मेरी दुकान के अंदर आग लग जाती है तो मेरे को मिलेगा। अब अगर मेरी जो शॉप है वहां पर आग की मैंने पॉलिसी ली है, लेकिन वहां पर कोई और प्रॉब्लम आ गई, फॉर एग्जाम्पल वहां पर अर्थक्वेक आ गया, तो दैट पॉलिसी विल नॉट बी कवरिंग मी। तो पॉलिसी जिस चीज की आपको कवर कर रही है उसका आपको इंश्योरेंस मिलेगा। अब ये तीन वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, रिस्क, पेरिल और हैजार्ड, जो इंश्योरेंस की डेफिनेशन में यूज होता है। देखो, रिस्क तो आप इजी सा कंसेप्ट है, आप सब जानते हो। अपन बोलते रहते हैं हर चीज में कि यार इसमें रिस्क है। ठीक है, अब किसी चीज में रिस्क हम क्यों बोलते हैं कि भैया रिस्क का मतलब है कुछ अच्छा होने को हम रिस्क नहीं बोलते। ठीक है, कोई भी अगर हम एक्शन लेते हैं हम बोलते हैं ये रिस्क है, तो उसका मतलब ये नहीं कि अच्छा हो जाएगा, इस चीज का रिस्क है। नहीं, रिस्क किसका होता है? लॉस का। आप बिजनेस करते हो, ठीक है, प्रॉफिट तो आप चाहते हो बिजनेस से, लेकिन रिस्क किस चीज का होता है? रिस्क होता है लॉस का, या अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस। आपको ये नहीं पता कि कितना लॉस हो जाएगा, लॉस भी अनसर्टेन है। होने को 1 रुपए का लॉस हो, होने को 1 करोड़ का लॉस हो, तो रिस्क क्या हो गया? जहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है या अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस है। पेरिल क्या होता है? पेरिल होता है बेसिकली इवेंट जो लॉस कर रहा है, इवेंट जो लॉस कर रहा है, या जिसका आउटकम ऑफ लॉस के ऊपर इफेक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपने घर बनाया बीच के किनारे, तो रिस्क किस चीज का है कि साइक्लोन आ जाएगा। ठीक है, तो साइक्लोन बेसिकली आपका कॉज बन जाएगा लॉस का। तो जैसे आग है वो क्या है? वो पेरिल है। लाइटनिंग, फ्लड, अर्थक्वेक, थेफ्ट, एक्सीडेंट, एक्सप्लोजन, ये क्या हो गया? पेरिल हो गया। तो रिस्क का इवेंट, जिस इवेंट में अल्टीमेटली लॉस हो रहा है, आग लग गई, इवेंट है, पेरिल, लॉस हो गया। हैजार्ड क्या होता है? हैजार्ड होता है जो चांस और साइज ऑफ लॉस को इंक्रीज कर देता है। चांसेस भी इंक्रीज हो गए,
लॉस होने के, और जो साइज है नुकसान का जो साइज है वो भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब कितना आपने समंदर के पास घर बनाया है, कितना लेविश घर बनाया है, उसके ऊपर आपका लॉस डिपेंड करेगा। बिल्कुल ही आपने समंदर के ऊपर बना दिया तो ज्यादा रिस्क है, ज्यादा हैजार्डस सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी ना, क्योंकि वो बिल्कुल ही आपने सी के ऊपर बना दिया, बहुत ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, तो जो लॉस होगा वो भी बड़ा हो गया। तो हैजार्ड क्या हो गया, चांस एंड साइज ऑफ लॉस, कि कितना ज्यादा चांस बढ़ गया लॉस का और कितना ज्यादा जो क्वांटम है वो लॉस का बढ़ गया। ठीक है, तो ये आपके तीन टर्म्स होते हैं, रिस्क, पेरिल एंड हैजार्ड। इनको याद रखना है, इनमें से डायरेक्टली वो एमसीक्यू पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द इवेंट ऑफ लॉस इन इंश्योरेंस इज डिफाइंड एज ऑप्शन ए रिस्क, बी पेरिल, सी हैजार्ड, डी नन ऑफ दी अबव। बन गया कि नहीं बन गया बता दो, कोई कमी है तो क्वेश्चन के अंदर? बढ़िया क्वेश्चन बना है ना। चलिए, अब हैजार्ड दो टाइप के होते हैं दोस्तों। ठीक है, जब हम हैजार्ड की बात करते हैं, एक तो होता है आपका फिजिकल हैजार्ड। फिजिकल जाहिर सी बात है, किसी फिजिकल करेक्टरिस्टिक की वजह से अगर इंक्रीज हो रहा है हैजार्ड का, जो चांसेस हैं या जो लॉस की सिवेरिटी है वो इंक्रीज हो रही है। फिजिकल हैजार्ड में क्या आ गया, ठीक है, जैसे आइसबर्ग जो एक शिप के लिए हैजार्ड है, अर्थ के अंदर कितने फॉल्ट हैं, दरारें पड़ी हुई हैं जो अर्थक्वेक का रीजन बन सकती है, डेंस फॉरेस्ट कितना घना जंगल है, फायर का हैजार्ड, जितना ज्यादा घना जंगल उतना ज्यादा रिस्की है फायर से रिलेटेड। तो फिजिकल हैजार्ड हो गए एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। मोरल हैजार्ड कौन से होते हैं, इसके ऊपर मेरे को एक मूवी याद आती है मोरल हैजार्ड की, शायद आप लोगों ने देखी ना हो, 90s के बच्चे जनरली देखी होती है वो मूवी। गोविंदा की एक मूवी आई थी गैम्बलर। मूवी में क्या होता है, गोविंदा के पास एक रिपोर्ट आती है कि उसको कैंसर है, तो उसको लगता है यार अगर मैं ये कैंसर से मर गया तो मेरे घर वालों को कोई पैसा नहीं मिलेगा इंश्योरेंस का, ना ही पुलिस कोई उसको इंश्योरेंस देगी, लेकिन अगर मैं ड्यूटी के टाइम पर मर गया तो मेरे घर वालों को पैसा मिल जाएगा। तो वो क्या करता है, वो ड्यूटी पुलिस वाला होता है तो वो ड्यूटी के टाइम पे बहुत सारे रिस्क लेने लगता है, वो चाहता है कि वो मर जाए ताकि उसके घर वालों को अच्छा खासा पैसा मिले। तो मोरल हैजार्ड कर रहा है वो, जो उस केस में मूवी में जो हीरो गोविंदा है वो क्या कर रहा है, वो मोरल हैजार्ड कर रहा है, क्योंकि इसमें एटीट्यूड जो है इंश्योर्ड का वो प्रॉब्लम है। इंश्योर्ड इंटेंशनली लॉस कर रहा है, ठीक है, डिसऑनेस्ट क्लेम करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, आजकल आप आईफोन लेने चले जाओ, तो वो जब आप आईफोन लेने जाओगे तो वो आपको एक एप्पल वाले स्कीम बताते हैं कि सर आप ना ये 8-9 हज़ार रुपये का एक इंश्योरेंस ले लो। ठीक है, तो मैं भी गया, मैं फ़ोन लेने गया, मैं कहा हाँ भैया ये इंश्योरेंस लेने का क्या फ़ायदा है, कहते हैं सर अगर आपके फ़ोन को कोई भी डैमेज होता है ना, ठीक है, अगर आपके फ़ोन को कोई भी डैमेज होता है, फिजिकल डैमेज अगर आपके फ़ोन को हो जाता है आपकी गलती की वजह से, तो हम आपके फोन को विद इन 1 ईयर अगर आपका डैमेज होता है तो हम उसको रिप्लेस करके दे देंगे। तो मैंने बोला कि यार ये तो बड़ा नुकसान का काम है, तो वो आईफोन वाला मेरे को बोलता है कि सर क्या आप 11 महीने बाद अपने फोन को खुद तोड़ देना, ठीक है, आपका क्या जा रहा है, आप 11 महीने बाद फोन को खुद तोड़ देना और 11 महीने बाद आकर के नया फोन ले जाना, फायदे का सौदा। तो ये मॉरल हैजार्ड है, जहां पर हम खुद से लॉस लेकर के आ रहे हैं ताकि हम इंश्योरेंस का फायदा उठा सके। ओके, सो दैट इज अ मॉरल हजार्ड। अब अच्छा, एक कंसेप्ट हमने और करना है, अप्रॉक्सीमेट कॉज, जो मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गया, अप्रॉक्सीमेट कॉज का कंसेप्ट करना है। ये इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस के लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां पर थ्योरी दिखाने से पहले मैं आपको पहले इसका एक देसी भाषा में सिस्टम समझा देता हूं। आपने पॉलिसी निकाली अपने घर का, आपने इंश्योरेंस किया, आपने अपने घर के लिए फायर पॉलिसी निकाली, ठीक है, आपने अपने घर के लिए फायर पॉलिसी निकाली कि अगर भैया घर में आग लग गई तो फिर मुझे जो भी नुकसान होगा उसके लिए इंश्योरेंस मिलेगा। अब एक दिन क्या हुआ, घर के अंदर आपके सिलेंडर रखा था, एलपीजी सिलेंडर रखा था, वो ब्लास्ट हो गया और अल्टीमेटली आपके घर में आग लग गई, ठीक है, योर हाउस इज ऑन फायर। जब आपके घर में फायर आग लगी तो आपने किसको भी बुलाया, फायर ब्रिगेड को बुलाया। अब वो फायर ब्रिगेड को अगर आपने कभी देखा है तो उनके पास तो वाटर कैनन्स होते हैं, फायर ब्रिगेड अपने वाटर कैनन्स लेकर के आए जो बहुत प्रेशर से पानी को रिलीज करते हैं। तो जब इन वाटर कैनन्स को यूज करते हैं ना तो इसका बड़ा डैमेज हो जाता है गुड्स के ऊपर, ठीक है, जहां पर आग कोई अगर चीज नई डैमेज होगी ना आग से, वो भी वाटर कैनन डैमेज कर देगा। आपकी दीवार पे टीवी लगा था, आग बुझाने के लिए वाटर कैनन मारा, टीवी का ऊपर प्रेशर जाकर के लगा, टीवी ब्रेक हो गया। तो अल्टीमेटली अब आप
जब इंश्योरेंस वाले के पास जाओगे तो इंश्योरेंस वाले को बोलोगे हाँ भाई फायर पॉलिसी थी, तो इंश्योरेंस वाले बोलेगा कि अच्छा ठीक है जी, बताओ आग जलने से क्या क्या नुकसान हुआ है। ठीक है, तो क्या वो आपका, फॉर एग्जाम्पल आपका जो टीवी खराब हो गया वाटर कैनन से, क्या वो इसका भी आपको क्लेम देगा? ठीक है, क्यों? वो ये नहीं बोल सकता कि ये तो भैया तेरा वाटर कैनन की वजह से, फायर ब्रिगेड की वजह से टीवी का डैमेज हुआ है, फायर की वजह से डैमेज नहीं हुआ, मैंने तेरे को जो पॉलिसी दी है वो फायर की दी है तो मैं तेरे को टीवी का खर्चा नहीं दूंगा, वो बोल सकता है, लेकिन वो नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉक्सिमेट कॉज का कंसेप्ट है। प्रॉक्सिमेट कॉज का कंसेप्ट क्या है कि मैं मेन कॉज देखूंगा लॉस का क्या है। भैया आग मेन लॉस है, आग की वजह से फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा और उसकी वजह से फिर जो भी तोड़फोड़ हुई वो फायर के ऊपर ही जाएगा, तो जो भी खर्चा अगर वाटर कैनन की वजह से भी हुआ है ना, जो नुकसान वाटर कैनन के यूज की वजह से हुआ है वो भी उसको क्लेम मिलेगा, वो भी क्योंकि फायर एज अ कॉज ही काउंट होगा उसके अंदर। ये आपका प्रॉक्सिमेट कॉज का कंसेप्ट है। ओके, सो प्रॉक्सिमेट कॉज मीन्स द इफेक्ट ऑफ कॉज इज एक्टिव। ठीक है, जो इफेक्ट ऑफ कॉज है जो फायर है, और इस फायर की वजह से बहुत सारे चेन ऑफ इवेंट्स मोशन में आ जाएंगे। आग लगेगी तो फायर ब्रिगेड को तो बुलाओगी, फायर ब्रिगेड को बुलाओगे तो वो वाटर कैनन तो यूज करेगा ही, वाटर कैनन यूज करेगा तो उससे कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ही। ठीक है, सो दैट विल ऑटोमेटिकली बी कवर्ड। ये एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखा हुआ है, तो एंटायर लॉस इज कवर्ड इंक्लूडिंग द डैमेज ड्यू टू द वॉटर बिकॉज फायर इज द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ लॉस। ओके, तो ये प्रॉक्सिमेट कॉज हो गए का एग्जाम्पल हो गया, तो डेफिनेटली वो आपसे इस टाइप में अगर कोई प्रॉक्सिमेट कॉज की डेफिनेशन या क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क पे, छोटा सा कंसेप्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क में जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो कैसे है, ऑब्जेक्टिव रिस्क एंड सब्जेक्टिव रिस्क होता है, एक होता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क, फिर होता है प्योर रिस्क एंड स्पेकुलेटिव रिस्क, एंड फाइनली होता है आपका फंडामेंटल रिस्क एंड पर्टिकुलर रिस्क। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रिस्क एंड सब्जेक्टिव रिस्क क्या होता है भैया? देखो, सब्जेक्टिव रिस्क होता है कि मुझे इंट्यूशन हो रही है, मैं सुपरस्टिशियस टाइप का आदमी, मुझे इंट्यूशन हो रही है यार नुकसान होने वाला है। जैसे अपने यहां पर बड़े सारे सुपरस्टिशन होते हैं ना, बिल्ली रास्ता कट गई कुछ होगा, कुत्ते ने भौंक दिया कुछ होगा, बाहर गली में कुत्ता रो रहा है तो कुछ होगा, सब्जेक्टिव रिस्क है। ठीक है, इसका कोई एस्टिमेशन नहीं है, बस हमारे मन में वहम है कि होगा, स्पेकुलेशन है हमारे मन में, वो क्या होता है, वो होता है सब्जेक्टिव रिस्क। ठीक है, परसीव्ड चांस ऑफ समथिंग बैड कि कुछ बुरा होने वाला है, एक व्यक्ति को लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, उसको गट फीलिंग आ रही है या उसको इंट्यूशन हो रही है। ठीक है, मैथमेटिकल रिव्यू नहीं है, कोई आप साइंटिफिक रिव्यू नहीं कर रहे हो, एक पर्सन की फीलिंग के हिसाब से आप बोल रहे हो कि यार कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव रिस्क क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रिस्क होता है प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर प्रोबेबिलिटी देखना कि भाई क्या चांसेस हैं लॉस के, उसके लिए आप प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगी, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन की जाएगी, डाटा देखा जाएगा उसके हिसाब से। अब जो इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस देती हैं ना, वो आपको ऑब्जेक्टिव रिस्क असेसमेंट पे देती हैं, कभी भी सब्जेक्टिव रिस्क असेसमेंट पे नहीं देती। अब फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस होती है, अब आप हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर देखो एज के हिसाब से प्रीमियम होती है, कोई 20 साल का है तो उसकी प्रीमियम कम होगी, कोई 30 का हो गया उसकी बढ़ जाएगी, 40 का और बढ़ जाएगी, 50 का और बढ़ जाएगी, क्योंकि इंश्योरेंस वाले क्या देखेंगे, यार ये 50 साल की उम्र होगी, 50 साल के बाद इतना हार्ट अटैक का डाटा है, ज्यादा चांस है कि इसको हार्ट अटैक आएगा, तो इससे प्रीमियम ज्यादा लेंगे। कई केसेस में तो इंश्योरेंस मना करने से मना कर देते हैं। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जाओगे वो पहले आपका हेल्थ चेकअप करवाएंगे, वो कहेंगे पहले हमारा हेल्थ चेकअप कराओ, हमको रिपोर्ट दो, उसके बाद हम हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। क्योंकि उनको क्या डर है कि भाई हमने अगर बिना चेकअप करे किसी को कैंसर है, वो सोचे यार अब कैंसर में बहुत खर्चा हो जाएगा, मैं इंश्योरेंस ले लेता हूँ फटाफट। ठीक है, और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने बिना किसी चेकअप के उसको इंश्योरेंस दे दिया, वो अगले दिन आ जाएगा, लाओ क्लेम का पैसा दो, मेरे को कैंसर है। तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होती है उसके अंदर, सब्जेक्टिव नहीं होती, परसीव्ड इमोशन के ऊपर काम नहीं होता। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रिस्क। फिर होता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क, ये तो इजी कंसेप्ट है। फाइनेंशियल रिस्क जहां पर आप टर्म्स ऑफ मनी के लॉस मेजर कर पा रहे हो, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो आप उसमें पूरा असेसमेंट हो जाएगा, यहां भी इतना खर्चा है तो मनी की टर्म्स में आप डैमेज को असेस कर सकते हो, आग लग गई मनी की टर्म्स में, बाढ़ आ गई मनी की टर्म्स में, तो जो भी फाइनेंशियल घाटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो आप डेथ हो गई किसी की, तो फाइनेंशियल टर्म्स में उसको क्या मेजर करोगे, क्योंकि किसी के सौरों किसी के दुख को आप फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, है ना। अब अगेन इंश्योरेंस जो है वो आपको फाइनेंशियल लॉस से कवर करता है, नॉन फाइनेंशियल रिस्क से कवर नहीं करता। प्योर रिस्क एंड स्पेकुलेटिव रिस्क, अब ये क्या होता है, प्योर
प्योर रिस्क एक सिचुएशन होती है जहां पर दो सिचुएशन होएंगी, दो कंडीशन होंगी, या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, या तो बंदा जिएगा या मरेगा। बीच की कोई सिचुएशन तो नहीं होती ना कि बीच में अटक जाए, या तो जी रहा है या मर रहा है, या तो घर में आग लगेगी या नहीं लगेगी, या तो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है, या तो दुकान में चोरी होगी या नहीं होगी, ठीक है। और इन्हीं चीजों के लिए इंश्योरेंस होता है ना आपका, कि भाई आपने इंश्योरेंस ले लिया, आपने डेथ इंश्योरेंस ले ली, या तो अब आप मरोगे या नहीं मरोगे, मरोगे तो आपके जो भी पैसा होगा वो मिल जाएगा, नहीं मरोगे तो वो है हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ बीमारी होगी तो मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं होगी। फायर इंश्योरेंस, या तो आग लगेगी या नहीं लगेगी। तो ये क्या प्योर रिस्क है, ठीक है, प्योर रिस्क है। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप आज कोई शेयर खरीदते हो शेयर मार्केट में, इन्फोटेक का आपने शेयर खरीद लिया, अब हो सकता है वो बढ़ जाए या हो सकता है वो घट जाए, वो स्पेकुलेशन है। तो इंश्योरेंस जो होता है हमेशा वो प्योर रिस्क के लिए होता है, ना कि स्पेकुलेटिव रिस्क के लिए, क्योंकि प्योर रिस्क में नो वन इज गेनिंग। अगर आप मर गए तो आप क्या गेन कर रहे हो, अगर आपको मरने के बाद अगर इंश्योरेंस का पैसा मिल भी गया तो आप क्या गेन कर रहे हो, और अगर आप नहीं मर रहे तो आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा। सो नो वन कैन गेन फ्रॉम द प्योर रिस्क सिचुएशन, लेकिन स्पेकुलेटिव रिस्क में कोई ना कोई गेन होगा या लॉस होगा। तो इंश्योरेंस कवर हमेशा प्योर रिस्क के लिए होता है, ना कि स्पेकुलेटिव रिस्क के लिए। ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं है जहां पर आप शेयर जाकर के इंश्योरेंस कंपनी को बोलो यार मैंने फलानी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो मुझे इंश्योर कर दें इन शेयर्स के लिए, कि अगर कल को ये शेयरों में पैसा डूब गया तो मेरे पैसे बच जाए, ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं होता। फिर आता है आपका फंडामेंटल रिस्क एंड पर्टिकुलर रिस्क। इसके अंदर क्या हो गया, फंडामेंटल रिस्क हो गया जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, विच आर आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन, ठीक है। कांजी भाई की दुकान है ना, ओ माई गॉड, अगर मूवी देखी है, कांजी भाई की दुकान में भूकंप आया, भूकंप इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन, तो वो क्या है, एक फंडामेंटल रिस्क है, ठीक है, फंडामेंटल रिस्क है। अब फंडामेंटल रिस्क के अंदर सिर्फ ये फ्लड, वॉल्केनो, फेमाइंस वगैरह नहीं आते, लड़ाई, पॉलिटिकल इंटरवेंशन, सोशल चेंज। अब एज अ पर्सनैलिटी क्या मेरे हाथ में है, आज मैं यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ या आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप में से कोई हाथ खड़ा करके कहते हैं सर मैं लड़ाई करवा सकता हूँ, मेरे में इतनी ताकत है कि मैं दो देशों के बीच में लड़ाई करवा दूँ, नहीं है, ठीक है, दैट इज आउटसाइड योर कंट्रोल, तो वो भी फंडामेंटल रिस्क है। पॉलिटिकल इंटरवेंशन आ गया, कोई सोशल चेंज आ गया, सोशल सिविल वॉर हो गया देश के अंदर, वो सब आपके कंट्रोल में नहीं है एज ए इंडिविजुअल, तो वो भी फंडामेंटल रिस्क है। और जनरली इंश्योरेंस कंपनीज इस रिस्क को कवर नहीं करती। कांजी भाई को भी तो क्लेम इसीलिए नहीं मिल रहा था, उसमें क्या लिखा था, एक्ट ऑफ गॉड, कि भैया ये तो इंसान के पहुंच के बाहर है ना भूकंप लाना, है ना। दूसरा होता है फंडामेंटल रिस्क में एक बात और क्या होती है, कि ये एक साथ बहुत सारे इंडिविजुअल्स को इफेक्ट करेगा। भूकंप आ गया तो सिर्फ आपका घर थोड़ी गिरेगा, आसपास के बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करेगा ना। उसके बाद पर्टिकुलर रिस्क होते हैं जो बेसिकली इम्पर्सनल ओरिजन होते हैं, ठीक है, इफेक्ट वाइड स्प्रेड हो सकता है बट ज्यादातर इंडिविजुअल इफेक्ट होता है, और एक इंडिविजुअल को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, जैसे फायर, फ्लड, थेफ्ट। तो ये पर्टिकुलर रिस्क जो होते हैं ना, इंश्योरेंस कंपनीज इनको मेनली टारगेट करती हैं, नॉट फंडामेंटल रिस्क। ओके, सो दीज वर द थ्री टॉपिक्स दैट वर टू बी डिस्कस्ड। रिस्क, पेरिल, हैजार्ड क्या होता है ये समझ लिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कॉज, जो मेजर कॉज होता है, प्रोस्पेक्टस कॉज होता है, उसको हमने समझा, और फिर हमने क्लासिफिकेशन समझा। ओके, इसी तरीके से हम छोटे छोटे लेक्चर्स में इंश्योरेंस को कवर कर लेंगे। पीडीएफ इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा, सिर्फ 99, यार 99 रुपीज की तो तुम लोग कॉफी पी जाते हो, ठीक है। आजकल तो 99 में भी कोई कॉफी नहीं आती, पहले कैफे कॉफी डे की कॉफी हुआ करती थी, छोटे वाली कॉफी 90 में आ जाया करती थी जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, बट अब जहां तक मुझे पता है वो भी नहीं आती है। तो उतने में अगर पीडीएफ अगर आपको मिल भी जाएगी तो कोई वो नहीं है ना। तो कमेंट करें, कोई डाउट है तो, कोई अगर स्पेशल रिक्वेस्ट है वो भी कमेंट कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और बार बार बोलता हूँ तुम लोग करते नहीं हो, वीडियो में तो तुम सब लिख देते हो कि व्यूज बड़े कम है ना, व्यूज बड़े कम है, पर तुम अपना पार्ट प्ले करो ना वो व्यूज और बेस को इंक्रीज करने में, है ना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।